storyteller, London Network, Daily Post. Minta perlu ngeluarin pi ke kubur. Syakshow kisikurim Muslim daki narot hadu dayap hau terperish. Tong ini sengam. Syakshow kisikurim hadu dayap daki narot pada ki ding. Hasi tepur jangka utar perish. Kini kisikurim batip kerteng kumu abas. Bat ke kamrul nisya. Kisah akhir temah ki marjan jongki ha ke situ ding. Kipulit kiong ke jing penyap brio hasi tepur. Kadi gadao jangka jing dan jingedai. Hapdeng ukun jongki lanat. Bat ke kun jong wei nagi papenyap. Ladap kem yang langut ki bapa khmat hakabai dei baka jing penyap ya ki syukurim. Ki pulit ki ong baka jing betong kali ya cakmat. Nak menta arngut ki wifat ki baka ntup lang haka jing jia. Ka ying kesem jong ki penyap bat jong kilanot. Kiladan penta haka jing keni keberim. Ki pulit ki ong ukun jong abas. Uya petu bat ke kentai nak long ying para marjan. Ya kaki seladap register halur kani. Bat ya ukun jong abas lapak syapatok. Kipulik ikam bahaba yukun jong abas lapalaj napatok ki kendiat sengi belalaj. Katu kani git khot jong kalungi yang marjan. Kila ada pelan bat hir thamai ki syukurim. आज शाम के समय थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम राजेपुर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है जिसमें दो लोगों की मृत्यु हुई है. पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब मौका मुआयना किया गया तो इसमें पाया गया कि दो व्यक्ति जिनका नाम अब्बास और कमरुल निशा हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है. इन दोनों की हत्या हुई है. इसमें जो इनके परिवार के जो छोटे बच्चे अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो गांव के जो अन्य निवासी हैं उनके द्वारा बताया गया कि इनके पड़ोसी एक दूसरा परिवार है जो शैलेंद्र जायसवाल व उनका परिवार है. इस परिवार के लोगों ने इनके घर के दरवाजे पर आकर मारपीट की, जिस मारपीट में लोहे के डंडे और रॉड इत्यादि से इनके ऊपर वार किया गया जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई. पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. इसमें जो पूरी जब विस्तृत जांच की गई तो इसमें ज्ञात हुआ है कि इस परिवार के मध्य पिछले कई सालों से एक संघर्ष चल रहा था जिसमें जो मृतक परिवार है इनका एक बेटा है जिसका नाम शौकस है. ये कुछ समय पहले जो आरोपी परिवार है उस परिवार की एक लड़की के साथ में फरार हो गया था. उसमें FIR लिखी गई थी, उसमें चार्जशीट लगी थी और उसके आधार पर उस लड़के को वो जेल भेजा गया था. अभी दो दिन पूर्व वो लड़का जेल से वापस आया था. वापस आने के पश्चात इन लोगों में फिर से इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ और इसी वाद विवाद के क्रम में ये घटना हुई है. इसकी विस्तृत जाँच कराई जा रही है, FIR पंजीकृत कराई जा रही है. मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है. पुलिस के द्वारा पूरे गाँव में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है. यहाँ पर जो हमारी FSL की टीम, SOG की और सर्विलांस की टीम के द्वारा घटनास्थल का मुआयना करते हुए इसका जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.